हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं क्लास फोर के लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स में मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। मल्टीपल्स क्या है, फैक्टर्स क्या है? तो सबसे पहले अगर मल्टीपल्स का बात करते हैं, मल्टीपल्स क्या है, किसी भी नंबर कितने टाइम्स वो मल्टीपल हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ, उसी को कहते हैं मल्टीपल्स। सपोज करते हैं कि 3 को अगर 1 टाइम्स करेंगे, यानी कि तो ये इसका मल्टीपल हो गया 3। 3 को अगर 2 टाइम्स करेंगे मल्टीपल, तो 3 + 3 = 3 × 2 लिख सकते हैं, 6 हो गया। इसे अगर 3 टाइम्स करते हैं, अगर 3 को 3 × 3 + 3 + 3 = 3 तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 3 × 3 यानी कि 9। यहाँ से एड करेंगे तो भी या तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आया, अगर 4 टाइम्स करेंगे तो 3 + 3 + 3 + 3 तो ये जाएगा 3 × 4 यानी कि 12। इस तरह से कंटिन्यू ये चलते रहे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जितना टाइम्स हम लोग उसको एडिशन किए उतना से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 4 बार अगर ऐड हुआ है तो 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 बार ऐड हुआ है तो 3 से मल्टीप्लाई करें। तो काउंटिंग नंबर से किसी भी नंबर को जब हम लोग काउंटिंग नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वह उसका मल्टीपल कहलाता है। अब बात करते हैं फैक्टर्स, फैक्टर क्या है? तो फैक्टर जो है कोई भी नंबर है, मान लेते हैं कि ये 30 है, एक नंबर है। अब ये 30 जो है कौन कौन से नंबर से ये डिवाइड होगा उसी को हम उसका फैक्टर कहेंगे। तो इसको हम इस तरह चेक कर सकते हैं, जैसे कि 30 पहला चीज है कि 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, एक फैक्टर है, हर एक नंबर का एक फैक्टर 1 होता है। सेकंड थिंग हम लोग 2 से लेते हैं, तो 2 तो 15, 15 को 30 हुआ, इस तरह से हम लोग 15 को अगर देंगे तो 3 से जाएगा, 3 × 5 = 15 और लास्ट में आता है 5 × 5। देखिए यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं 30 के, फैक्टर ऑफ 30 = एक तो आ गया 1 जो सर्वाधिक नंबर होता है, सेकंड नंबर हो गया लोएस्ट नंबर में 2, इसलिए कि 2 जो है 30 को हम उससे डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक 3 है जो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, एक नंबर है 5 इससे भी डिवाइड होगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 5 के बाद एक नंबर आ जाता है, अगर ये 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 होता है, यानी कि 6 भी उसका एक फैक्टर है। अब अगर बात करते हैं 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 = 10 यानी कि 10 भी उसका फैक्टर है। और नेक्स्ट आता है 15, 3 × 5 = 15, तो 15 भी उस नंबर का फैक्टर होगा। और लास्ट में 30 जो खुद अपने हैं वो भी उस नंबर के लिए फैक्टर कहलाएगा, यानी 30 का टोटल फैक्टर हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 फैक्टर है। इस तरह आप देखें कि कोई भी नंबर है वह नंबर जितने नंबर से डिवाइड होगा वे सभी उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। तो 30 का जो भी नंबर है वह दिए हुए हैं सभी जो है 30 के फैक्टर्स हैं, क्या है इससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 से, सभी के टेबल में 30 आता है। राइट फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5। ये 2 और 5 के जो है फर्स्ट 7 मल्टीपल्स निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 का टेबल जो है 7 टाइम्स इस तरह से निकालेंगे, मल्टीपल ऑफ 2 इक्वल टू, देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये 2 आ गया, 4 आ गया, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14।
ये जो 2 4 6 8 10 12 और 14 ये सभी जो है 2 के फर्स्ट 7 मल्टीपल्स है। अगर इसका निकालते हैं 5 का और 5 इक्वल 5 into 5 5 into 2 5 into 2 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20 5 5 जा 25 5 6 जा 30 5 7 जा 35 क्लियर है। आप लोग समझ रहे होंगे कि फर्स्ट 7 मल्टीपल निकालना था, इसलिए हम लोग 7 बार तक जो है टेबल को लिखे हैं उसी नंबर का। ये सभी जो है 5 के शुरुआती जो है 7 मल्टीपल्स जो है ये सभी है 5 10 15 20 25 30 35 क्लियर। इसे हम लोग 2 का निकाला तो ये 14 तक आया। इस तरह से इसको समझ गए होंगे। और राइट द मल्टीपल्स 4 दैट आर ग्रेटर देन 12 बट लेस देन 13 then 12 and less than 12 और 32 के बीच में आने वाले नंबर्स लिखना है जो 4 का मल्टीपल्स है। लिखेंगे 4 greater than मल्टीपल्स लिख लेंगे कौन कौन से मल्टीपल आए तो फर्स्ट 4 आएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 7 जा 4 5 जा 20 4 5 जा 4 6 जा 24 4 7 जा 28 4 9 जा 32 4 9 जा 36 और 10 जा 14। अभी देखिए ये चार का टेबल हम पूरा लिखे 40 तक लिखे हैं तो 12 से ग्रेटर और 32 से लेस कौन कौन से नंबर है यहाँ से हम लोग करेंगे। 12 से बड़ा ये है इतना तक आ गया। कौन कौन से नंबर है पहले 16 है यहाँ पर हम 16 लिखे हैं, फिर 20 है तो 20 लिखे, फिर 24 है यहाँ 24 लिखे, उसमें 28 है यहाँ पर 28 लिखे हैं। ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। इससे दूसरे सीधा सीधा हम टेबल लिखे हैं। आज जो क्वेश्चन बोला गया था कि ग्रेटर देन 12 एंड लेस देन 32 तो 12 से ग्रेटर हो गया इधर पूरा, लेकिन 32 से लेस बोला गया है इसलिए 32 से पीछे वाले और 12 ये दोनों के बीच में जितने भी नंबर हैं वही उनका आंसर होगा। तो आप लोग को मल्टीपल समझ में आ गया है। तो इस चैप्टर में चैप्टर 8 है, इसमें जो है आप लोग असाइनमेंट में थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। फिर आते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसी चैप्टर से कुछ फैक्टर्स के बारे में आप लोग बताऊंगा, तो देखना भूलेंगे। थैंक यू।